त्रिपुरा राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मौलाना इंतजार अहमद कादरी, मैं बरेली मंडल का प्रभारी हूँ और सुन्नी उलमा काउंसिल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या मांग है आज? हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से त्रिपुरा में अकलियतों के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है शरपसंदों के जरिए, ये शरपसंद इंसानों के लिबास में दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, आतंकी हैं। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर हालात को नॉर्मल करने के लिए मरकज़ और रियासत, स्टेट और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी के वो फौरी तौर पर हालात को काबू में लाने के लिए बेहतर सूरत हाल इख्तियार करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो जायदाद का, अमलाक का, मस्जिदों का, मदारिस का, खानकाहों का जो नुकसान हुआ है, वो इन्हीं दहशतगर्द भेड़ियों के ज़रिए, इन्हीं आतंकी भेड़ियों के ज़रिए इन पर जुर्माना वसूल करने के बाद, इन्हीं पर दंड डालने के बाद इसकी मरम्मत कराई जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही साथ हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ये मांग भी है कि ऐसी निकम्मी हुकूमत जो दंगाइयों पे, बलवाइयों पे कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है या ये किसी खाने से ये उनसे मिली हुई है, ऐसी निकम्मी हुकूमत को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए, मुअत्तल किया जाए। मैं अच्छन अंसारी एडवोकेट हूँ, बरेली आज़ाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमारी मांग ये है कि त्रिपुरा राज्य में वहाँ पर दहशतगर्दों द्वारा, दंगाइयों बलवाइयों द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ के मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, मजारों, मदरसों को तोड़ फोड़ करके वहाँ पर नुकसान किया जा रहा है। उनकी दुकानों को, उनके मकानों को तोड़ फोड़ करके उनके मकानों, दुकानों में लूटपाट की जा रही है। मुस्लिम समाज के साथ वहाँ अत्याचार किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग हम लेकर आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने कि वहाँ जो मुस्लिमों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को बंद कराया जाए और जो दंगाई और बलवाई जो हैं, बलवाई हैं, जो ये दहशतगर्द हैं वहाँ के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वहाँ की सरकार ये सुरक्षा, मुसलमानों की सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है और वहाँ कहीं ना कहीं सरकार मिली भगत है उन दहशतगर्दों से, तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करके वहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई उन दहशतगर्दों से, उन दंगाइयों बलवाइयों से जुर्माना वसूल करके उनकी धार्मिक स्थलों की मरम्मत की करवाई जाए। ये हमारी मांग है आज की।